पीछे मुड़, एक दो तीन चार पीछे मुड़। दोस्तों, पुलिस देश की सबसे रिस्पेक्टेड पदों में से एक है। देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था की देखरेख इन्हीं के कंधों पर है। आज अगर देश के पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं होते तो शायद हमें सड़कों पर खुलेआम घूमने की ये आजादी कभी न मिलती। लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद है। कुछ मुट्ठी भर पुलिस वाले अपने साथ साथ डिपार्टमेंट की इज्जत पर भी दाग लगाने का काम करते हैं। आज बात करेंगे ठीक इसी प्रकार के कुछ पुलिस वालों की, जिन्होंने अपने स्वार्थ या घिनौनी सोच के चलते पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करते कैमरे में कैद हो गए। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो याद रखना, लॉकडाउन में जहां एक तरफ पुलिस के काम की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी ओर जुलाई 2020 के दौरान ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बड़ा ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। यहां हुआ यूं कि लॉकडाउन का पालन करवा रहे कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सड़क पर एक फल बेचता हुआ गरीब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को अपना काम करने की पूरी छूट थी, इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने फल बेचने वाले वृद्ध आदमी को पकड़ लिया और उसकी फ्रूट से भरी क्रेट छीन कर अपने साथ ले गए। बेचारा वो गरीब रोता हुआ भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें इस गरीब पर रहम नहीं आया। पुलिस वालों की इस हरकत को छत पर खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस की ये हरकत इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई और न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस में आने लगी। बाद में जब घटना की खबर ब्रह्मपुर SP पिनाक मिश्रा को मिली तो उन्होंने तुरंत इन ऑफिसर्स को बुलाया और कड़ी चेतावनी देकर गरीब फल विक्रेता को ढूंढ उसे उचित मुआवजा देने के आदेश दिए। इस पर आप अपनी राय जरूर बताना। हाल ही में 17 दिसंबर 2020 के दौरान महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाद के साई चौक से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि स्वाति सोनार नामक एक लेडी कांस्टेबल ने स्कूटी पर सवार महिला और लड़की को चालान काटने के लिए पकड़ा। लेकिन कुछ देर तक चालान की धमकी देने के बाद महिला कांस्टेबल ने लड़की से रिश्वत लेकर उसे छोड़ने का विचार बनाया। यहां मोहतरमा ने पकड़े जाने के डर से होशियारी दिखाते हुए लड़की से कहा कि वो पैसे हाथ में नहीं लेगी, पैसे सीधे उसके पिछले पॉकेट में रख दो और चुपचाप चली जाओ। लेकिन महिला कांस्टेबल के दुर्भाग्य से ऊपर खड़े कुछ लड़कों ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ना फोन पे ना गूगल पे, सीधा पॉकेट पे मेरा भारत महान जैसे कई कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए और वाकया खबरों में हेडलाइन बनने लगा। बाद में पिंपरी चिंचवाद के DCP सुधीर हिरेमथ ने बताया कि उन्होंने कांस्टेबल का ये वीडियो सोशल मीडिया से देखा और स्वाति को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया। ऐसा ही रिश्वतखोरी का दूसरा वाकया उस समय रिकॉर्ड हुआ जब पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल ने खुद अपने हाथों से ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल मार्च 2017 के दौरान बादल साहब चंडीगढ़ से फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लुधियाना के खन्ना शहर में हाईवे पर उन्होंने देखा कि जगजीत सिंह और मनजीत सिंह नामक दो हेड कांस्टेबल ड्राइवर से रिश्वत ले रहे हैं। मंत्री जी की कार पर कोई भी निशानी नहीं थी, जिसके चलते वे दोनों समझ नहीं पाए कि ये मंत्री की कार है। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि कार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बैठे हैं, वे दोनों तुरंत उनके पास गए और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि या तो हमें माफ करो या गोली मार दो। लेकिन मंत्री जी ने उनकी एक ना सुनी और उनका ये वीडियो तुरंत खन्ना शहर के SSP रंजीत सिंह हुंदल को भिजवा दिया, जिसके बाद SSP ने दोनों को तुरंत निलंबित कर कार्रवाई शुरू कर दी। दिसंबर 2017 में ये महाशय गाड़ी ड्राइव करते समय हेलमेट पहने कैमरे में कैद हुए। जिसने भी इसे देखा उसकी हंसी छूट गई। इन्हें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कोई पागल वागल होगा, इसलिए तो गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहन रखा है। लेकिन उसके पीछे की वजह चौंकाने वाली है। दरअसल इस शख्स का नाम विष्णु शर्मा है और 1 दिसंबर 2017 के दिन वो राजस्थान के भरतपुर आगरा हाईवे पर अपनी ओमनी वैन से जा रहे थे। हाईवे पर स्थित ऊंचा नगला चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग के लिए उसे रोका गया, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसके सभी कागजात सही होने के बावजूद भी 200 रुपए का चालान काट दिया। विष्णु ने बताया कि जब पुलिस को कुछ और नहीं मिला
तो उन्होंने कार में हेलमेट न पहनने को लेकर उसका चालान काट दिया। पुलिस की ये हरकत इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आई। वहीं चालान काटने वाले कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने इस पर कहा कि उसे यहां विष्णु का सीट बेल्ट न पहनने के लिए चालान करना था, लेकिन गलती से उसने हेलमेट का नाम लिख दिया। यही वजह थी कि विष्णु ने इस घटना के बाद से गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। और अब यही हाल अलीगढ़ के पीयूष के साथ हुआ। जब उनका भी गाड़ी चलाते समय हेलमेट न पहनने के चलते 500 रुपए का ई चालान काट दिया गया। अब आपने ये तो देख ही लिया कि आम जनता को गाड़ी चलाते समय भी हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन शायद पुलिस को दुपहिया वाहन पर भी हेलमेट न पहनने की छूट है। शायद इसीलिए सितंबर 2018 के दौरान लखनऊ के 1090 क्रॉसिंग पर ट्रैफिक रूल्स के रक्षकों को ही भक्षक बनते हुए देखा गया। यहाँ एक बाइक सवार ने देखा कि पुलिस वाले ट्रिपलिंग करते हुए बिना हेलमेट के जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने जब उन्हें उनकी करतूत पर शाबाशी दी तो पुलिस वालों में से एक ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जब घटना वायरल हुई तो एरिया के ट्रैफिक ASP RS निम ने इस बात पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके दौरान उन्हें जल्द ही ट्रेस करके पकड़ लिया गया। ASP ने इस पर कहा कि इन तीनों पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और गलत भाषा का प्रयोग करने के लिए जल्द ही उचित दंड दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार का एक और वीडियो राजस्थान में किसी जगह से सितंबर 2015 के दौरान भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दो आदमी और एक महिला पुलिस को एक बाइक पर बिना हेलमेट के सवारी करते हुए पाया गया। जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने इसका विरोध किया और चालक का नाम दिखाने के लिए उसके पास गया तो उसने धक्का मुक्की भी शुरू कर दी, और इन जनाब ने तो पकड़े जाने पर अपनी बाइक ही दूसरी डायरेक्शन में मोड़ ली और रफ्तार इतनी तेज कर ली जैसे मर्डर करते हुए पकड़ा गया हो। मार्च 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा के बिठौली में एक पुलिस जीप के अंदर कुछ पुलिस कर्मचारियों को बियर पीते हुए पकड़ा गया। आमतौर पर पुलिस का काम लोगों को सरेआम नशा करने से रोकना होता है, लेकिन यहाँ ये सभी महाशय सभी नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए वर्दी को बदनाम कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि घटना के समय सरकारी गाड़ी में भाऊराम सिंह नामक एक दरोगा, दो सिपाही, एक हेड कांस्टेबल और जीप के ड्राइवर समेत 5 लोग शामिल थे। पुलिस कर्मियों का ये वीडियो धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा, जिसके चलते जल्द ही उनकी शर्मसार कर देने वाली हरकत आला अधिकारियों तक पहुंच गई। जब इटावा के SP ने अपने पुलिस कर्मियों की ये हरकतें सुनी तो उन्होंने इन सभी महाशयों को लाइन हाजिर कर लिया और मेडिकल टेस्ट करवा कर तीनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी हैं जब ऑन ड्यूटी नशे की हालत में ये टॉयलेट के आगे किसी महाराजा की तरह आराम फरमाते तो पुलिस की गाड़ी के ही बोनेट पर आराम से बैठे पैग बनाते देखे गए। इन जनाब ने तो पता नहीं फेविकोल पिया था कि शराब, जो बोनेट से चिपक गए और कई लोग मिलकर भी इन्हें हटा नहीं पाए। ये तो खुद भी नहीं संभल पा रहे, कानून व्यवस्था क्या संभालेंगे। आपने फिल्मों में पुलिस वालों को बार गर्ल्स के साथ डांस करते और उन पर नोट बरसाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दे कि ऐसी बेहुदा और वर्दी को शर्मसार कर देने वाली हरकतें सिर्फ फिल्मों में ही नहीं दिखाई जाती, हकीकत में भी ऐसे कई पुलिस वाले मौजूद हैं जो वर्दी का लिहाज के बिना लड़कियों के साथ नाचना और उन पर पैसे उछालना शुरू कर देते हैं, जिसका एक नमूना आप मई 2017 के दौरान यूपी के श्रावस्ती शहर में हुई इस घटना में देखेंगे। यहाँ हुआ ये कि यूपी पुलिस में कार्यरत व्यास सिंह नामक एक पुलिस ऑफिसर कामभारी नामक एक गांव में शादी में गए, जहाँ बार गर्ल्स को नाचते देख उनसे रहा नहीं गया और जनाब उठकर उनके साथ नाचना शुरू हो गए। नाचने के साथ साथ व्यास को लड़कियों पर नोट उछालते हुए भी साफ साफ देखा जा सकता है। बाद में जब उनका वीडियो वायरल हुआ और आला अधिकारियों के पास इसकी खबर पहुंची तो उसे वर्दी को बदनाम करने और ऐसी निर्लज हरकत के चलते तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना उस समय घटित हुई जब जून 2016 के दौरान राजस्थान के अलवर में झारखंड पुलिस ने आकर एक लड़की को अरेस्ट किया और जानवरों की तरह रस्सियों से बांधकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अपने साथ ले गए। रस्सियों से बांधकर पुलिस ने लड़की के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ हुआ यूं कि अलवर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती अपर्णा और उसके परिवार पर झारखंड के गढ़वा जिले की रहने वाली उनकी बहू ने अपनी सास, पति और देवर के खिलाफ झारखंड पुलिस में अपने साथ हुई दहेज प्रताड़ना के चलते केस दर्ज करवाया था। केस फाइल होने के बाद झारखंड पुलिस अलवर में आई। यहाँ उसके सभी ससुराल वाले फरार थे, लेकिन उसकी ननंद अपर्णा
उसके खिलाफ केस न होने के बावजूद पकड़ी गई। जब पुलिस की ऐसी हरकत का वीडियो वायरल हुआ और सुर्खियों में आया तो आला अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए लड़की को इस तरह से बांध कर गिरफ्तार करने वाले ASI के साथ दो महिला कांस्टेबल और एक सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अगस्त 2017 के दौरान यूपी में बस्ती जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र में ये वाकया देखने को मिला, जहां आमतौर पर पुलिस वाले लोगों को जुआ खेलने से रोकने की कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं इन पुलिस वालों को लोगों को रोकने की बजाय खुद ताश पत्ती खेलते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने और वीडियो रिकॉर्ड होते देख सभी महाशय गुटखा खाई हुई स्माइल के साथ खड़े होकर रवानगी ले लेते हैं। अगर आप भारत के अलावा विदेशों में मौजूद कुछ इसी प्रकार के पुलिस ऑफिसर्स पर भी ऐसी एक और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो के और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना।